अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार आज मौसम बहुत ही ठंडा है। ठंड में यार परिंदों की देखभाल करना आपको पता है बहुत ही मुश्किल काम है। आप सब इस टाइम आई थिंक दोस्तों रजाइयों में होंगे, लेकिन मैं इस टाइम ऊपर आ गया हूँ कि यार परिंदों को भी देख लेता हूँ और आपको वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। तो खैर दोस्तों, हम सबसे पहले अपने परिंदे खोलते हैं। ये वाले मैं खोल लूँ दोस्तों, बाकी तो कुछ मेरे बाहर हैं। अभी दोपहर का टाइम है दोस्तों, और ये वाले परिंदे अब अंदर जाना चाहते हैं, कबूतर हमारे। तो इनको मैं दरवाज़ा खोल लूँ। चलो जी जाओ तुम लोग। आज मैंने यार शॉप पर ये नीचे ही रहने दिया, क्योंकि आज हवा चल रही थी, ठंड थी, तो मैंने सोचा कि यार शॉपर को नीचे रखना ही बेहतर रहेगा। तो अभी दोस्तों इनका दरवाज़ा मैं खोल लेता हूँ, ये अपने बच्चों के पास जाएंगे और फीड इनको कराएंगे। जो हमारी दोस्तों डब देखें माशाल्लाह से इस कबूतर के साथ घूम रही है, लेकिन अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ना कबूतर की तरफ से ना हमारी डव की तरफ से। तो खैर दोस्तों, इनको अभी अपने हाल पर छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। वो चीज़ दोस्तों शायद आपको पता चल गई होगी कि वो क्या है। आज दोस्तों हमें बड़े भाई ने गिफ्ट किया है मुर्गा। मैंने ही उनको बोला कि यार भैया मुझे मुर्गा चाहिए और मुझे कुछ ना दीजिएगा, क्योंकि यार हमारी मुर्गी जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 साल से वो बगैर मुर्गे के घूम रही है। एक दफ़ा उसने अंडे भी दिए थे, वो अंडे सारे के सारे ख़राब हो गए, वो फर्टाइल नहीं थे, बगैर मुर्गे वाले अंडे थे ना। फिर उसके लिए मैंने दोस्तों गांव से अंडे मंगवाए थे, उनमें से फिर सिर्फ 3 ही बच्चे निकले जो अभी घूम रहे होते हैं। अभी देखें दोस्तों, वो मुर्गी हमारी वो सामने अकेली बेचारी ठहरी हुई है। इसके लिए दोस्तों आज अच्छी खबर, इसको भी दोस्तों नहीं पता कि हमारे सेटअप पर मुर्गा आ गया। पहले भैया लेकर आए थे, मैंने यहाँ पर बांध दिया था मुर्गे को दोस्तों, लेकिन उस टाइम मुर्गी ये हमारी नीचे घूम रही थी। जो ही भैया नीचे गए तो मैंने उस मुर्गे को उठाया और बाथरूम के अंदर दोस्तों बंद कर दिया। इसके अंदर दोस्तों हमारा मुर्गा है, और मुर्गी को बिल्कुल भी नहीं पता कि सेटअप पर एक मुर्गा आ चुका है। तो उस मुर्गी के लिए दोस्तों सरप्राइज हुआ। एक देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि उसके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं दोस्तों। अब वो डायरेक्ट मुझे लगता है कि मुर्गे के पास आएगी। तो चलें दोस्तों हम मुर्गी को खोलते हैं और मुर्गी को हम फिर देखते हैं कि क्या करती है। आ जाएं दोस्तों, हमारा मुर्गा इसके अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे दोस्तों जब भी मुझे गिफ्ट मिला है ना, मैंने क्या किया, मैंने डबल वीडियो कभी नहीं बनाई। जब गिफ्ट मिला तो फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये गिफ्ट आया। आज मैंने सोचा कि आज स्पेशल एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें मुर्गी की यार ज़रूरत थी। काफ़ी दिन हो गए थे, हमारी मुर्गी बेचारी अकेली होती थी। पहले तो यार बहुत सारी मुर्गियाँ थी, लेकिन वो बिना मुर्गे के ही रह रही थी हमारे सेटअप पर। तो आज मैंने सोचा कि चलो जी इस गिफ्ट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो होनी चाहिए। पहले भी भैया ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, मैंने कोई डबल वीडियो फिर नहीं बनाई थी। मैंने सोचा हुआ था कि आपको तो पता चल गया होगा, फिर मैं अब क्या बताऊँ यार। तो आज मैंने सोचा कि आज वीडियो बनानी चाहिए। और ये देखें दोस्तों, ये हमारा मुर्गा माशाल्लाह, ये देखें हमारा असील क्रॉस में मुर्गा। ये हिलता भी है, क्यों देखो ना, हिलता है, क्यों नहीं हिलता देखो, अभी तक एक उसने आग भी नहीं चिमकाई। नकली है क्या? नकली लग रहा है। देखो बिल्कुल स्टैचू क्यों हो गया है, मैम क्या किया इसके साथ? भाई सर्दी लग रही होगी इसको, मुझे तो लग रहा है नकली है भाई, मूर्ति तो नहीं है। तो चलो चलो इसको यार बाहर घुमाते हैं और देखते हैं मुर्गी इसको देखकर किस तरह से रिएक्ट करती है, और ये मुर्गी को देखकर कैसा रिएक्ट करता है। यार फर्स्ट टाइम ये बाहर निकल रहा है, और मुर्गी उधर है, वो देखें दोस्तों, मुर्गी ने आवाज सुन ली है मुर्गे की। ये है मुर्गा, वाह माशाल्लाह यार, मुर्गी तो क्रां क्रां कर रही है, देखिए आवाज सुनिए दोस्तों, यार इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये मुर्गी हमारे मुर्गे के साथ पैर बना लेगी बहुत जल्द, क्योंकि मुर्गी का जो अलार्म है ना दोस्तों, ये इसका मतलब ये होता है कि ये देखो दोस्तों, वो देखो दोस्तों मुर्गी, माशाल्लाह यार ये तो बहुत ही खुशी की खबर हुई यार। तकरीबन दोस्तों शायद आज ही पैर लग जाए इनका, और मुर्गी हमारी 2 से 3 दिन के बाद फिर बच्चों को बिल्कुल छोड़ देगी और अंडों पर आ जाएगी। यार बहुत ही मजे की बात है ये। हम मुर्गी को दोस्तों मुर्गे के करीब लाते हैं और देखते हैं मुर्गी मुर्गे से डरती है या उसके करीब ही रहती है। तो चलें दोस्तों इस मुर्गी को हम पकड़ते हैं, और पकड़ के दोस्तों हम अपने इस मुर्गे के साथ रखते हैं। जाओ 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 जाओ, देखें दोस्तों हमारा मुर्गा और मुर्गी, माशाल्लाह मस्ती कर रहा है यार मुर्गा। अच्छा डर नहीं रही यार, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों ये बच्चों को क्या मतलब कि अंदर क्यों जा रही है, वो बुला रहा है उसको पता है। बस इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मुर्गी हमारे मुर्गी के साथ पेयर बना लेगी बहुत जल्द।
और हमारी मुर्गी बहुत जल्द अंडे भी दे देगी इंशाल्लाह दोस्तों, क्योंकि मुर्गी अपने बच्चों को मेरे ख्याल में छोड़ना चाहती है। इसको मुर्गी की ही जरूरत थी दोस्तों। तो फाइनली फाइनली दोस्तों इसका इंतजार खत्म हुआ बेचारी, और 1 से 1.5 साल से बगैर मुर्गे के ही अंडे दे रही थी, अंडे फर्टाइल ही नहीं होते थे। तो अब इसका मुर्गा दोस्तों आ चुका है और ये दोस्तों अब अंडे दे देगी। बहुत सारे भाई मुझे कमेंट भी करेंगे भाई आपकी मुर्गी बस जल्दी से जल्दी अंडे दे देगी जैसे वो आवाज़ें निकाल रही है। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत बड़े हो रहे हैं यार इनके बच्चे, और मैं इनको आज बाहर छोड़ूंगा। ये तो उड़ भी सकते हैं अब मेरे ख्याल तकरीबन, इनको उड़ा के चेक करते हैं। चलो ये अभी कच्चे हैं ठीक है, इसके बच्चों को यार ऊपर ले आते हैं। आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा दोस्तों इसके बच्चे नीचे घूम रहे हैं अकेले आज, तो उनको हम ऊपर लेकर आते हैं और देखते हैं कि क्या ये मुर्गी अपने बच्चों के पास वापस जाती है या फिर अपने मुर्गी के पास ही चली जाती है। तो आज फैसला हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि मुर्गी ने बच्चों को छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा। आ जाए दोस्तों आ गए। फिर वो देखो क्या यार बच्चे खाना खा रहे हैं खुद ही। हाँ खुद खा रहे थे माशाल्लाह। ये तो मुर्गे के साथ ही घूम रही है मुर्गी, देखो ना बच्चों को भाई बच्चों को लिफ्ट नहीं करा रही यार बच्चे ही पीछे जा रहे हैं उसकी आदत से। हाँ वो मुर्गे के साथ भाई। अच्छा ये क्यों मार रहा है, मुर्गे को मार रहा है क्या? हाँ देखो ये बच्चा लड़ने की कोशिश कर रहा है बड़े मुर्गे से। हाँ देखो हाँ ऐसे ही है, लेकिन वो डर रहा है कि मैं बस मुंह ही दिखा सकता हूँ आंखें दिखा। यार लड़ाई हो गई थी और ये हमारा छोटा मुर्गा भाग गया, तो अब वो उसके उसका पलड़ा भारी हो गया इस मुर्गे का। अब हमेशा वो ऐसे ही डरता रहेगा जब से इस सेटअप पर रहेगा। तो खैर उसका वजन ज्यादा था, भारी भी था, बड़ा भी था, तो साफ ज़ाहिर उसने डरना ही था इस छोटे मुर्गे ने। तो ये अब दूर दूर रहेगा। अब दोस्तों हमें जो लग रहा है कि ये मुर्गी अपने बच्चों को छोड़ चुकी है, आज ही मुर्गा आया और इसने आज ही अपने बच्चों को रफू चक्कर कर दिया कि जाओ जी मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब मुझे अपनी लाइफ गुजारने दो, अब तुम अपनी लाइफ खुद गुजारो। तो यार अब अल्लाह करेगा यार ये पल जाएंगे, बच्चे माशाल्लाह बड़े तो हो गए हैं। तो दोस्तों मैंने जो डिसाइड किया है कि हम इस मुर्गी को इस मुर्गे के साथ आखिरी वाली दरबे में आज बंद करते हैं, जो आखिर वाला जहां पर ये मुर्गी बंद होती है ना दोस्तों, बच्चों को साइड पर कर देंगे हम और मुर्गे को हम अकेला छोड़ देंगे और बस इनका नया घर होगा। और अभी से दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इनको बंद ही कर दूँ, और मुर्गी यार भाग भाग रही है अभी, डर रही है। ये गई दोस्तों अंदर और इसको हम कर देते हैं बंद ठीक है। चलें अब इसकी बारी, जो 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 चलें दोस्तों इनको हम अकेला छोड़ते हैं। और जो चूजे हैं हमारे दिखाओ सकते हैं, देखो ना दोस्तों ये हमारी मुर्गी और साथ में हमारा मुर्गा भी अंदर है, उसका पूंछ आपको नजर आ रहा होगा ठीक है। चूजों को मैं सोच रहा हूँ यार इस दरमियान वाले खाने में बंद करते हैं। कर लो ऐसे कर लो ठीक है ना, सही है। वो देखो ना दोस्तों जो मैं कह रहा था ये मुर्गी की तरह आवाजें निकाल रहे हैं अभी, लेकिन ये मुर्गी के साथ भी लड़ रहा था लेकिन मुर्गी की तरह भी आवाजें निकाल रहा है। कन्फ्यूजन है ना। चलो बंद करो बाकी चीजें, चले लेकिन ये तो नहीं जाएंगे, ये शाम को बंद करेंगे, शाम को बंद करूंगा जब अंधेरा होगा। चलो अभी दोस्तों हम शिराजी पिजन्स का दरवाजा बंद कर देते हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है और मेरे लिए तो बहुत आज खुशी का दिन है क्योंकि मुर्गा आ गया हमारे सेटअप पर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है दोस्तों तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। यार मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।